आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। अंडर ग्रेजुएट के लिए इनका रिजल्ट आने वाला है। इस साल 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच 6 चरणों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश भर में कराया गया, जिसका रिजल्ट अब से कुछ ही देर बाद यानी कि रात 10 बजे आएगा। इस रिजल्ट के आने के बाद देश की विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का सपना देख रहे करीब 14 लाख छात्रों के आगे का सफर शुरू हो जाएगा। सीईटी रिजल्ट को चेक करने के लिए छात्रों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी। ये तस्वीरें इसी साल 15 जुलाई से 30 अगस्त के बीच की हैं, जब 6 चरणों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया देश भर में आयोजित हुई थी। तब परीक्षा देने वाले और परीक्षा कराने वाले दोनों के मन में सैकड़ों सवाल थे। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ परीक्षा संपन्न हुई और अब गुड न्यूज ये है कि सीयूईटी यूजी 2022 का रिजल्ट घोषित होने वाला है। छात्रों को ये गुड न्यूज यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने ट्वीट करके दी। सितंबर का आधा महीना गुजर चुका है और करीब 14 लाख छात्र अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनका इंतजार रात 10 बजे खत्म हो जाएगा, यानी जल्दी ही कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी ने इस एग्जाम को कंडक्ट किया था। इसके पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए एक अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, उसके बाद मेरिट के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाता था। इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता था कि कमजोर बोर्ड के बच्चे उन्हें दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिल पाता था। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि अब यूनिवर्सिटीज को अलग से कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक कॉमन टेस्ट होगा। उसी के आज नतीजे आने हैं। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए देश भर में 489 केंद्रों पर सीयूईटी 2022 परीक्षा का आयोजन किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई परीक्षा इतने बड़े लेवल पर आयोजित की गई, जिसमें करीब 14,90,000 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनका रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जारी करेगी। इस रिजल्ट को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर देखा जा सकेगा। अपने रिजल्ट को देखने के लिए छात्रों को अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करना होगा। इस एग्जाम में देश के 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज और 11 डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया है। 20 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी इसमें हिस्सा लिया है। मतलब आज जो नतीजे आएंगे उसके बाद छात्रों को इन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल तक ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में नया सेशन लेट हुआ है। इस साल कोरोना के मामले कम होने के बाद सभी यूनिवर्सिटीज फिजिकल मोड में तो आ गए हैं, मगर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में देरी की वजह से सेशन वक्त पर नहीं शुरू हो पाएगा। हालांकि अब नतीजों के ऐलान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और छात्रों को उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस दिन का इंतजार करीब 14,90,000 छात्रों को था, जो सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 13 स्टेट यूनिवर्सिटी, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए इच्छुक हैं। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है, देश की मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक है। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों का एडमिशन का सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। हर साल हजारों की तादाद में छात्र दूसरे शहरों से दिल्ली का रुख करते हैं ताकि वहां अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन ले सकें, आगे की जीवन की राह आसान बना सके। आज करीब 10 बजे रात में सीयूईटी के नतीजे आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से 12 सितंबर को ही CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की इच्छा रखने वाले छात्र इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल को लॉन्च करने वाले DU के VC योगेश सिंह से हमने बात की।
देश भर में इस बार नया सिस्टम है जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन के लिए, और सबसे जो प्रीमियर यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी उसने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। प्रोफेसर योगेश सिंह है, वाइस चांसलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये बताइए कि आज से आपने एक तरीके से श्री गणेश कर दिया आपने एडमिशन प्रोसेस का, तो क्या आगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, हमारे तो सवाल अलग है, छात्रों के दिमाग में बहुत सारे सवाल। देखिए, एक अच्छा काम आज हो गया कि पोर्टल लॉन्च हो गया। अब मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर रजिस्टर कीजिए, सारी एंट्रीज ध्यान से भरिए, और बाकी रिजल्ट आपका जब एनटीए निकालेगा तो हम वहां से ले लेंगे। फिर हम सेकंड राउंड में जब जाएंगे तो प्रेफरेंसेज आपको भरनी होंगी कोर्स की, अपनी चॉइसेज और डिफरेंट प्रेफरेंसेज भरनी होंगी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो सारी प्रेफरेंसेज ज्यादा से ज्यादा आप भरें, उस समय चूजी मत होइए, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो तो भरिए, पर जो बिल्कुल खराब भी लगता है उसको भी भर दीजिए। अच्छा, तो कितने भी प्रेफरेंस भर सकता है एक स्टूडेंट, कितने भी सब्जेक्ट और कितने भी कॉलेज? भी 100 भी भर सकते हो, 200 भी भर सकते हो, 300 भी भर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगाकर अपने मन बनाइए कि मेरे को कहाँ सबसे ज्यादा, मेरी प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, प्रायोरिटी 3 है, प्रायोरिटी 4 है, तो प्रायोरिटी 100 भी है तो उसे भर दीजिए। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है मेरी रिलेटिव मेरिट क्या है। अगर आपके रैंक कम है और आप प्रेफरेंसेस भी ज्यादा नहीं भरेंगे तो हो सकता है सीट अलॉट ही ना हो आपको। उस सिचुएशन से बचने के लिए कि कुछ तो अलॉट होना चाहिए, जब अलॉट होगा तो हमारे सिस्टम में आप चलेंगे अच्छे से। तो अच्छा, इस बार ये भी समझा जा रहा है कि कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होगा, पिछली बार जितना आपके पास आवेदन आए थे जी उससे कहीं ज्यादा इस बार छात्र हैं, तो क्या लगता है कि निराशा छात्रों को ज्यादा होगी या फिर कैसे क्या होगा? देखिए, अब ये तो अभी जब चलेगा तो डेटा को स्टडी करेंगे, लेकिन पूरे देश से सबने अप्लाई किया है और कंपटीशन तो देखो ज्यादा पहले भी था और अभी भी रहने ही वाला है। मार्क्स बेस सिस्टम था उसमें भी कंपटीशन बहुत था, 99 पे बंद हो रहे, लेकिन उसमें ये था कि जो लोग लीनियंट बोर्ड से आ रहे थे उनको फायदा हो रहा था और जो लोग स्ट्रिक्ट बोर्ड से आ रहे थे उनको नुकसान हो रहा था। ये सिस्टम जो है सीयूईटी बेस्ड सिस्टम है, इसमें हमने उस चीज को एड्रेस कर लिया कि एक ही मेजरमेंट से सब लोग आ रहे हैं, एक ही एग्जाम के तहत आ रहे हैं, जैसी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से पा रहे हैं। तो भारत जैसे बड़े देश में, इतने विविधताओं वाले देश में, ये आसान भी नहीं था गवर्नमेंट के लिए भी। देखो, इतनी सारी भाषाएं हैं, 24 भाषाओं में एग्जाम कराना और अलग अलग कॉम्बिनेशंस को लेकर एक अच्छा अटेम्प्ट लिया है, एक अच्छी नीयत से लिया है, और इस बार मुझे लगता है फायदा होगा। अच्छा, पहले कट ऑफ आता था 99, कभी 99 तो तुम लोग 100% भी आता था, इस बार क्या आएगा? क्योंकि इस बार तो सीट अलॉट हो जाएगी आपको पहले राउंड में, या तो सीट अलॉट होगी या आपको नहीं अलॉट होगी। जब अलॉट हो जाएगी फिर आपके पास दो चॉइस होंगी, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अच्छी लगती है नहीं लगती है तो हमको कह दीजिए कि अपग्रेड करो मुझे। तो आप उस सीट को आपने कंफर्म नहीं किया लेकिन आपको मिल गई वो सीट, अब नेक्स्ट राउंड में वेट करो कि नेक्स्ट राउंड आएगा तो आपको उससे बेटर मिलती है, और लास्ट राउंड तक जाते जाते अगर आप फिर भी अपग्रेड पे चलते रहते हैं तो जो आपके पास लास्ट राउंड पे सीट होगी वो मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो कितने राउंड करने जा रहे हैं इस बार आप? ये हमारा प्लान है कि 3 से 4 राउंड तो हम करेंगे, उसके बाद स्पॉट राउंड करेंगे, लेकिन अगर लगा कि एलोकेशन ज्यादा की जरूरत है तो 1-2 राउंड बढ़ा भी लेंगे, कोई इसी बात नहीं। अच्छा, तो स्पॉट राउंड क्या होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 3-4 राउंड तो नॉर्मल होंगे, आपको सीट मिली तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो अपग्रेड कर दीजिए। अगर ये स्पॉट राउंड का क्या है, क्योंकि ये तो नया होगा बिल्कुल स्टूडेंट? नहीं, अभी क्या होगा कि जैसे 4-5 राउंड हमने चलाए, उसके बाद में जिस दिन स्पॉट राउंड मान लो हमने एक दिन तय किया, उससे एक दिन पहले अपग्रेडेशन चला देंगे दोबारा से, तो लेफ्ट ओवर जो सीट्स होंगी बची हुई, जो एकदम लीस्ट प्रेफर्ड सीट्स होंगी, वो सीट्स जो हैं आपके पास आ जाएंगी, फिर आप उस दिन रजिस्टर करेंगे कि उसमें जो आपको बचा हुआ मिलेगा वो मिल जाएगा आपको। ये चलिए, तो इस बार आपको बराबरी का मौका मिलेगा। एक बात तो है, इस बार 99 के चक्कर में आप फंसेंगे नहीं, तो इस बार थोड़ी सी ये आसानी है, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से नहीं पता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजें इस बार प्रयोग के स्तर पर होंगी तो नहीं होंगी, तो हो सकता है आपको भी परेशानी हो, यूनिवर्सिटी को भी परेशानी हो, लेकिन एक बात गारंटी है कि आप ज्यादा से ज्यादा च्वाइसेस भरे कॉलेज के और सब्जेक्ट्स के, जिससे आपको ये ना लगे कि हमारे साथ जो हमें बेहतरीन कोर्स मिलना चाहिए वो शायद छूट गया या बेहतरीन कॉलेज छूट गया। तो पिछले साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए छात्रों को हाई कट ऑफ लिस्ट की वजह से गला काट प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ता था। कई छात्रों को तो एडमिशन के लिए 5वीं कट ऑफ लिस्ट तक का इंतजार करना पड़ता था, और ऐसे कई साल आए जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 कॉलेजेस में दाखिले की प्रक्रिया तीसरे कट ऑफ लिस्ट तक आते आते थम जाती थी, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट बेस्ट ऑफ 4 स्कोर के फंडे पर ही टिकी हुई थी। पिछले साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों के 12वीं क्लास के उन 4 विषयों
के मार्क्स जोड़ती थी जिसमें उसे सबसे ज्यादा नंबर्स मिले हुए थे और उसी आधार पर छात्रों को स्नातक कोर्सेज में दाखिला मिल जाता था। यही नहीं, कई छात्रों के साथ नाइंसाफी हो जाती थी क्योंकि हर राज्य का अपना अलग अलग शिक्षा बोर्ड है। 12वीं के बोर्ड में भी उनके नंबर्स देने का तरीका और पैटर्न बिल्कुल अलग है। किसी राज्य में 12वीं बोर्ड में नंबर लाना आसान है तो कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। लिहाजा सिर्फ नंबर्स के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला देना छात्रों के साथ नाइंसाफी ही माना जा रहा था। लेकिन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की वजह से अब हर छात्र को बराबरी का मौका मिलेगा। नई व्यवस्था है, छात्रों को एक समान अवसर मुहैया कराए जाएंगे। अगर किसी ने 12वीं की परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसे भी सीयूईटी की वजह से अच्छे नंबर लाने का दूसरा मौका मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अगर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना पहले की तुलना में आसान हो ही जाएगा और यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को एक क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। अब तक ग्रेजुएशन से जुड़े कई कोर्सेज के लिए 100% तक कट ऑफ जाने की वजह से 12वीं के छात्र नंबरों के पीछे भागते थे और उसकी वजह से 11वीं क्लास से ही वो और उनके पेरेंट्स तनाव में आ जाते थे क्योंकि जिसके मार्क्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा या फिर दाखिले की दौड़ में उनको कॉलेज दर कॉलेज चक्कर काटने पड़ेंगे। हालांकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की वजह से अब ऐसा नहीं होगा और यही वजह है कि ऊंचे मार्क्स की जद्दोजहद की बजाय छात्र अब अपने ज्ञान को पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। सिर्फ 12वीं की परीक्षा में नंबर हासिल कर लेना किसी छात्र का उद्देश्य नहीं रह गया है बल्कि वो अपने विषय पर भी अच्छी पकड़ बना रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की जिसका मसौदा सरकार ने तैयार कर लिया है और इस पॉलिसी का लक्ष्य पूरे राज्य के परिवहन को साल 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में बदलना है और अगर ये नीति असल अमल में आती है तो फिर इससे न सिर्फ प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा बल्कि राज्य के लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और इसके अलावा यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर राज्य सरकार की ओर से लोगों को सब्सिडी भी देने की तैयारी है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। हमारे स्टेट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग ई व्हीकल्स होंगी उसको 100% जो है हमने टैक्स में माफ किया है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का ये बयान आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर प्रदेश में एक बड़ी क्रांति लाने वाला है क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और सरकार की कोशिश 2030 तक यानी 8 सालों के भीतर पूरे प्रदेश को इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड पर लाने की है जिसके लिए योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-27 का मसौदा तैयार कर लिया। सरकार चाहती है कि राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर हो जिसके लिए उसने टैक्स में छूट देने का ऐलान कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ई व्हीकल्स के लिए जो प्रोत्साहन मिले तो हमारे स्टेट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग ई व्हीकल्स होंगी उसको 100% जो है हमने टैक्स में हमने माफ किया है और यदि बाहर के लोग हैं उनको भी 50-75% उनको भी हम जो है इसमें हम सहयोग कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मुताबिक सरकार राज्य में 2-व्हीलर से लेकर 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 15% की छूट देगी। साथ ही राज्य में ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में भी पूरी छूट दी जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ईवी में तब्दील किया जाएगा। ये सोच रखी गई है कि 2023 से 2027 के बीच में ये अगले 5 साल जिस तरीके से रहने वाले हैं इसमें पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़कों पर उतारे, साथ में ये तय करे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो और आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इन गाड़ियों को लेकर सारी रूपरेखाएं तय कर दी जाएं।
सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस पॉलिसी से प्रदूषण पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही राज्य को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मिल सकता है और करीब 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस पॉलिसी के जरिए सरकार का सबसे बड़ा मकसद प्रदेश को इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ बैटरी निर्माण, चार्जर और उपकरण निर्माण का ग्लोबल हब बनाना भी है। इसको इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट से कैसे आप जोड़ेंगे? देखिए, जब ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पर जो है हम हर जगह जो है चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे, तो जहाँ जहाँ चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी, वहाँ पर रोजगार मिलेगा। और हम अपनी भीड़े को बढ़ाएंगे तो उससे बहुत कंडक्टर और ड्राइवर के रूप में हम बहुत लोगों को जो है सेवा का भी अवसर दे सकते हैं और कम पैसे में हम वातानुकूलित यात्रा अपने प्रदेश के लोगों को करा सकते हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग होगी और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन पर भी इस पॉलिसी में खास जोर दिया गया है, जिसके तहत शहरों में 9 किलोमीटर की परिधि में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जबकि एक्सप्रेसवे पर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन पर 20% की छूट दी जाएगी। हालांकि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर योगी कैबिनेट की मोहर लगना अभी बाकी है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूपी सरकार की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर इस कारोबार से जुड़े लोगों का क्या कहना है, वो सरकार की इस पॉलिसी को किस तरीके से देख रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। हमारी इंडस्ट्री जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आगे बढ़ रही है, उनको एक बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से सभी का ही भला हुआ और हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की दुनिया में एक नया कदम आगे बढ़ा पाएंगे। इस पॉलिसी के तहत हमारे जैसे ई बस निर्माता और ई बस चालकों को काफी प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि इसमें 100% एग्जेम्पशन दिया गया है रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्सेस को। यूपी सरकार ने ग्रीन रोड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है और इस पूरे पहल में 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि हमारे जैसे और एक आम नागरिक को काफी फायदा होगा। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग नवरात्रि या फिर दिवाली पर नई गाड़ी खरीदना चाहेंगे या फिर ऐसी प्लानिंग कर रहे होंगे। ऐसे में योगी सरकार की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर लोगों की राय क्या है, वो सुनते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ये मसौदा बनाया है, यदि ये मसौदा आता है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आम कस्टमर हैं वो भी ई व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ई व्हीकल बिकेगा तो इससे प्रदूषण पे कंट्रोल होगा, जिससे आम जनजीवन बेहतर होगा, सबका जीवन का स्तर बढ़ेगा। सरकार ने यह सोचा है तो सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इस शहर का निर्णय का हम सभी सराहना भी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स जिस हिसाब से मार्केट में लॉन्च हो रही है बहुत आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक बाइक इससे ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा भी और उसके बाद हम सभी के बजट में भी आएगा, तो इससे सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों से वायु प्रदूषण करीब करीब 0% होता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देश ई व्हीकल के इस्तेमाल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि वायु प्रदूषण को 0% तक लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे जनता का रुख इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़े, जिसके तहत लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सब्सिडी से लेकर नई नीतियां बनाई जा रही हैं, जिससे लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ झुकाव बढ़े और देश में प्रदूषण का स्तर भी कम हो। इस लिस्ट में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्य शामिल हैं। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो केजरीवाल सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली में 25% ई व्हीकल का लक्ष्य रखा है। साथ ही टू व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की छूट रखी है। गाड़ियों के लिए करीब 1,50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। गुजरात की बात कर लेते हैं, ई व्हीकल पॉलिसी के तहत टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 20,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 1 लाख
50,000 रुपए तक की सब्सिडी लोगों को मिलेगी। तो ये तो बात हुई गुजरात की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्य सरकारों की योजना वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में लगभग 6 मिलियन टन की कटौती करने का भी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जो घाटी पिछले कुछ सालों तक आतंक की वजह से चर्चा में रही थी, अब वहां पर बदलाव की बयार बह रही है और लगातार हो रहे बदलावों की कड़ी में एक और सुकून देने वाली तस्वीर और खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको घाटी में 30 साल बाद खुलने जा रहे मल्टीप्लेक्स की झलक भी दिखाई थी, लेकिन आज आपको उस झील की सैर करवाएंगे जहां 33 साल बाद एनसीसी की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हुई है। देखिए झील पर एनसीसी के कैडेट्स को। जम्मू कश्मीर में बदलाव के बयार की ये तस्वीर है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि आतंक के साए में लिपटे जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 33 साल के बाद कश्मीर के गांदरबल में मौजूद सबसे गहरी मानस बल झील में एनसीसी कैडेट्स को नौसेना प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इन कैडेट्स को अपने प्रशिक्षण के लिए जम्मू जाने की जरूरत नहीं है। नौसैनिक प्रशिक्षण के दांवपेच को अब ये कैडेट यहीं के झील में सीख रहे हैं। कठुआ, डोडा, सांबा और कश्मीर के दूसरे कई इलाकों से एनसीसी कैडेट इस कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो सर वाटरबोर्न एक्टिविटी जो है काफी स्मूथली कंडक्ट की जा रही है, जैसे बोट पुलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, सेलिंग शिप्स हो गई। तो सर इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जो कश्मीर के कैडेट्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशन जो है वो और गहरे हो रहे हैं, क्योंकि सर हम एक साथ एक ही टेंट में रह रहे हैं, एक ही किचन में हम खाना खा रहे हैं, एक ही साथ हम सब एक्टिविटी कर रहे हैं। घाटी में आतंकी वारदातों के बढ़ने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से 1989 में यहाँ पर कैडेट्स का प्रशिक्षण बंद कर दिया गया और इन नावों को जम्मू की मानसर झील में भेज दिया गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, लिहाजा कश्मीर प्रशासन ने मानसबल झील विकास प्राधिकरण और सेना के सहयोग से मानसबल झील में नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू कर दिया है। 33 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर के खूबसूरत मानसबल झील में अब एनसीसी कैडेट्स जो है वो नेवल ट्रेनिंग ले लेंगे। सुरक्षा के कारण पिछले 33 साल में ना ही डल झील में और ना ही मानसबल झील में एनसीसी कैडेट्स को नेवल ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब चूंकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, इस बीच एनसीसी ने भी फैसला लिया है कि मानसबल झील में जम्मू कश्मीर के 100 एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के 100 सबसे बेहतर एनसीसी कैडेट्स को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। कैडेट के अभ्यास के लिए नौसेना की 2 नावों को मानसर से मानसबल झील लाया गया है। जो हमारे मैक्सिमम कैंप थे वो जम्मू नगरोटा में होते थे, जहाँ पे हम सेमाफोर सर्विस सब्जेक्ट ड्रिल की प्रैक्टिस करते थे। फिलहाल इन कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान तंबू में रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए झील के किनारे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये शिविर यहाँ पर 26 सितंबर तक चलेगा और 2 अक्टूबर से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाले शिविर के लिए एनसीसी कैडेट्स को तैयार करेगा। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो घाटी में हवा बदल रही है, सुकून की हवा चल रही है, मल्टीप्लेक्स वहां पर दोबारा से खोला जा रहा है। 33 साल बाद अब वापस से मानसबल झील में एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग हो रही है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से 30 साल बाद वापस से मल्टीप्लेक्स खोलने की वहां पर तैयारी है, जो इस वीकेंड खुल जाएगा, यानी अब इसके बाद उम्मीद ये की जा सकती है कि बहुत ही जल्द फिल्मों की शूटिंग भी वहां पर हो सकती है। क्वीन एलिजाबेथ की बात करते हैं। 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रहने वाली एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर 4 दिन के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। 19 सितंबर को अंत्येष्टि से पहले 4 दिनों तक महारानी का पार्थिव शरीर लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में ही रहेगा। इस दौरान लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। 96 साल के अपने जीवन काल में ब्रिटेन की महारानी ने यूरोपीय संघ में शामिल होना और फिर उससे अलग होना भी देखा। महारानी को आखिरी विदाई देने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। क्या है महारानी की आखिरी विदाई का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाते हैं।
महारानी एलिजाबेथ की आखिरी विदाई पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। शाही परिवार और ब्रिटेन की जनता उन्हें 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में आखिरी बार अलविदा कहेगी और इसके लिए इंतजाम भी कर लिए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने दोनों सदनों के सदस्यों के साथ महारानी के अंतिम संस्कार को लेकर अहम बैठक की। ब्रिटेन के सभी सांसदों ने एक साथ वेस्टमिंस्टर हॉल में शोक जताया। महारानी के अंतिम संस्कार में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से शोक व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्राध्यक्षों की लिस्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कॉमनवेल्थ देशों के लीडर्स और यूरोप की रॉयल फैमिली समेत दुनिया के करीब 500 लीडर्स शामिल होंगे। लेकिन क्वीन के अंतिम संस्कार में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत बेलारूस और म्यांमार से किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन 8 सितंबर को स्कॉटलैंड में हुआ था। 96 साल की एलिजाबेथ पिछले 70 सालों से ब्रिटेन की महारानी थी। उनके निधन से ब्रिटेन में शोक की लहर है। 4 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले महारानी का पार्थिव शरीर एक भव्य रथ में फूलों से सजे कॉफिन में करीब 100 मील के सफर में रहा। ये कारवां कई गांवों और शहरों से होकर गुजरा। इस कॉफिन को रविवार 11 सितंबर को सड़क मार्ग से 180 मील की यात्रा करके एडिनबर्ग पहुंचाया गया। कॉफिन को हॉलीवुड हाउस के महल से सेंट जाइल्स कैथेड्रल लाया गया। लंदन के बकिंगम पैलेस में पार्थिव शरीर रखा गया। यहाँ वेस्टमिंस्टर हॉल में आम लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कॉफिन को 4 दिन के लिए वेस्टमिंस्टर एबे में रखा गया है, जिसके बाद 19 सितंबर को अंतिम संस्कार होगा। इस कॉफिन की खास बात यह है कि लगभग 32 साल पुराना है। इसे बनाने के लिए 3 दशक पहले ही खास तरह के ओक की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। महारानी का ये कॉफिन चारों तरफ से कांच से बना हुआ है। शाही परंपरा के मुताबिक कांच से बना ये खास कॉफिन पार्थिव शरीर को कब्र में लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा, क्योंकि कांच की वजह से कॉफिन के अंदर नमी नहीं जा पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक महारानी के अंतिम संस्कार में करीब 72 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। साल 2002 में महारानी की मां के अंतिम संस्कार में करीब 49 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। साल 1997 में राजकुमारी डायना के अंतिम संस्कार में लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्च आया था। क्वीन एलिजाबेथ को लोग उनकी भव्यता, गंभीरता और खास अंदाज के लिए याद कर रहे हैं, लेकिन उनकी आखिरी विदाई के खास पल और शाही रस्मों को भी याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर की सरहदें दुश्मनों की साजिशों से हमेशा महफूज रहें, इसके लिए भारतीय नौसेना हर वक्त तैयार रहती है। नौसेना इन दिनों जापान के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के कई युद्धपोत, फाइटर जेट्स और पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों की नौसेना बेहतर तालमेल के साथ आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही है। समंदर में हिंदुस्तान कदम। लहरों की ताकत का जापान बना हम कदम। भारत जापान की जोड़ी करेगी दुश्मन को बेदम। हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं और इनकी इस ताकत के गवाह कुछ विदेशी मेहमान भी हैं। यह है भारत और जापान का संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास जिमेक्स 2022। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के अच्छे रिश्तों का प्रमाण है। ये दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने का संकल्प है। 11 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में नौसेना के 3 स्वदेशी युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इनमें मल्टीपर्पज स्टिल्थ फ्रिगेट सहयात्री
पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत और आईएनएस कवरत्ती शामिल हैं। इनके साथ ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या, पनडुब्बियां, मिग 29 के फाइटर जेट, लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। पीरियड एट विच वी वर एट सी, वी एक्सरसाइज्ड इन सरफेस फायरिंग एक्सरसाइजेस, एंटी एयर फायरिंग एक्सरसाइजेस, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेस एंड वी हैव ऑपरेटेड इन ऑल डायमेंशंस एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू से दैट आवर इंटरऑपरेबिलिटी हैज रीच्ड न्यू हाइट्स। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस से युद्धपोत इजुमो, युद्धपोत ताकानाकी, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक हेलीकॉप्टर कैरियर इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। ये युद्धाभ्यास दो चरणों में होता है। पहले समुद्र में दोनों देशों की सेनाएं अभ्यास करती हैं, उसके बाद बंदरगाह पर दोनों सेनाओं के अधिकारी एक युद्ध जैसे हालात में रणनीतियां बनाने का अभ्यास करते हैं। इस दूसरे चरण के लिए भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना के अधिकारी विशाखापट्टनम पहुंचे और इस युद्धाभ्यास की खूबियां बताई। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की ताकत को समझने का मौका मिलता है। युद्ध जैसे हालात में एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला करने की काबिलियत परखी जाती है। ऐसे युद्धाभ्यास से दोनों देशों की सेनाएं आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखती हैं। जापान के साथ जिमेक्स युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। इस साल युद्धाभ्यास का छठा संस्करण समंदर में दोनों देशों की नौसेना के बीच बेहतरीन तालमेल का प्रमाण दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।